सामने आ गया है कॉफी विद करण के नए एपिसोड का प्रोमो। इस हफ्ते आदित्य रॉय कपूर और अर्जुन कपूर होंगे करण के गेस्ट। प्रोमो देखकर इतना तो पता चल गया है कि बड़ा मजेदार होने वाला है ये नया एपिसोड। दिल्ली गई है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत। मनोज मुंतशिर से की खास बातचीत। इंस्टाग्राम पर बड़ी खूबसूरत तस्वीरें की शेयर। बॉलीवुड नाउ को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बॉबी देओल ने खुलासा किया कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनके पिता धर्मेंद्र के निधन वाले सीन को देखकर उनको बड़ा दुख हुआ था। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। I didn't know the story. I was like, I broke down because I couldn't see my father dying. और वैसे भी सब, you know, when your parents start growing old, that thought is more in your head because you don't want them to ever. You always want them to live forever. But we all have to die one day. But to see your father, I couldn't handle it. I just walked out because I couldn't control myself and I couldn't gather myself and become normal. The Archies की कास्ट से रवीना टंडन ने मांगी माफी। दरअसल द आर्चीज की रिलीज के बाद कुछ लोगों ने अगस्त्य नंदा और खुशी कपूर की एक्टिंग को लेकर उल्टी सीधी बातें की थी। इन दोनों को ट्रोल करने के लिए डाली गई एक पोस्ट को रवीना टंडन ने लाइक कर लिया था। बस फिर क्या था, रवीना टंडन चर्चा में आ गई। इसके बाद एक स्टोरी शेयर कर रवीना टंडन ने सफाई दी और माफी भी मांगी। देखिए पोस्ट। एनिमल में बोल्ड सीन करने पर तृप्ति डिमरी ने किया खुलासा। उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स को नहीं पसंद आया था ये, लेकिन उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि वो एक्टर है और कैरेक्टर की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको ऐसा करना पड़ता है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री ने की सराहना। अनुपम खेर ने रिपोर्टेडली कहा, आर्टिकल 370 को खत्म करना जरूरी था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पर सारी बहस खत्म हो जानी चाहिए। वही विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, न्याय के अधिकार को बराबर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। एनिमल में रणबीर कपूर की बहन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सलोनी बत्रा फिल्म की सक्सेस के बाद गई सिद्धिविनायक मंदिर। देखिए विजुअल। पान मसाला का ऐड कर बुरी तरह फंसे अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन तीनों एक्टर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हम आपको बता दें कि जब ये एड आई थी तब भी खूब ट्रोल हुए थे ये तीनों सितारे। एक लिस्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्म शाहरुख खान की जवान रही। इसके बाद गदर 2, ओपेनहाइमर, आदि पुरुष और पठान का भी नाम है। आप भी डालें इस लिस्ट पर एक नजर। कबीर बेदी को इटली के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किया गया सम्मानित। लोगों के साथ शेयर की खुशखबरी।